प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस मुस्कुराहट की वजह खास है। उनके नेतृत्व में देश ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया में आज एक और अहम मुकाम पा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई रूपी को लॉन्च किया, जो ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। वो क्षण आ ही गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से अब ई रूपी लॉन्च वीडियो का अनावरण कर ई रूपी को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया में बढ़ा ये एक कदम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में भी बेहद कारगर साबित होगा। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में ई रूपी से सरकारी योजनाओं में और पारदर्शिता आएगी, जिसकी वजह से उनको बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। दरअसल ई रूपी एक कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस तरीका है, जो सेवा देने वाले और लेने वालों को सीधे तौर पर जोड़ेगा। ई रूपी की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे लाभार्थियों तक पहुंच सकेगा। दरअसल ई रूपी के कैशलेस सिस्टम होने की वजह से लाभ उठाने वालों को उनके मोबाइल फोन पर ही एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग मिलेगा। वन टाइम पेमेंट इस सर्विस में लाभार्थी बिना कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बावजूद ई वाउचर को रिडीम कर सकेंगे। ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन में ये भी सुनिश्चित होगा कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान हो सके। इसका लाभ सर्विस प्रोवाइडर को भी मिलेगा, जो बिना किसी मध्यस्थता के भुगतान पा सकेंगे। साफ है कि ई रूपी भी डिजिटल ट्रांजेक्शन और DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को ही बढ़ावा देने में भूमिका निभाएगा। इसका इस्तेमाल सरकारें लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए करती हैं। हालांकि ई रूपी का इस्तेमाल सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका फायदा गैर सरकारी संस्थाएं भी उठा सकेंगी जो जनहित में कुछ करना चाहती हैं। देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में जुटे हैं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े शख्स तक भी पहुंच जाए, जिसमें अब तक भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ी बाधा साबित होता रहा है। हालांकि अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कवायद में देश ने एक कदम और उठा लिया है।